करते हैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस। आज पहली क्लास है, इसी चैनल पे आपको रेगुलर क्लासेस आगे मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के जो पिता हैं वो हैं एडम स्मिथ। इसके बाद देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक्स अध्ययन है किस चीज़ का? इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो किस कारण से निकलती है? स्केयर रिसोर्सेस के कारण, और नीड डिजायर आर मोर। तो ये क्या होता है? इकोनॉमिक अध्ययन है किस चीज़ का? कि हमारी जो संसाधन है वो कम है जबकि हमारी डिजायर है जो वो अधिक है। तो अब इनको सही रूप से व्यवस्थित करने के लिए इट फोकसेस अपॉन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। ये इकोनॉमिक्स है, हमारा रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए है कि इकोनॉमिक जो हमारे संसाधन है सही व्यक्ति को मिले, सही रूप से इनका उपयोग हो, ताकि किस लिए सही रूप से उपयोग हो? कि इकोनॉमिक गेंस आर मैक्सिमाइज, कि हमारी इकोनॉमिक गेन है तो वो मैक्सिमाइज हो सके। अर्थात इकोनॉमिक्स अध्ययन इस चीज़ का है कि हमारे जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनका अच्छा से अच्छा उपयोग करके हम अपने गेंस को मैक्सिमाइज कर सके, इसलिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नंबर वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर टू इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इकोनॉमिक इशू स्टडीड कंसर्न स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, जहाँ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट की बात हो एंड इंडिविजुअल की बात हो, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो या इंडिविजुअल फर्म हो या इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, कुछ भी इंडिविजुअल की बात या स्मॉल यूनिट की बात हो, तो हम उसका अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या बात की थी? इंडिविजुअल की या स्मॉल यूनिट की, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी एज ए होल की बात होगी। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सेंट्रल इशूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, जैसे किसी देश की एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात हुई, ग्रोथ रेट की बात हुई, नेशनल आउटपुट की बात हुई, तो इन सब का अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। एक बार फिर देखते हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं या स्मॉल यूनिट की, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज ए होल की बात करते हैं, जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था अर्थात किसी देश की इकोनॉमी, तो उसका अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। ठीक, जब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं? एन इंडिविजुअल में, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द सेंट्रल प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। यही डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी एज ए होल की बात करते हैं। अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। देखिए तीन है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कितनी है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? ये क्वेश्चन अभी भी डबल ए का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं है। तो देखिए तीन है। तो सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। दूसरी है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों हमारी क्या किस नाम से जानी जाती है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए बारी बारी से एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सबसे पहले देखते हैं व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस। देखिए कौन सी गुड या सर्विस प्रोड्यूस की जाए, सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में ये दिक्कत रहती है। अब कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, दो ही प्रकार की गुड्स होती है, कैपिटल या कंज्यूमर। अब देखिए कैपिटल गुड कंज्यूमर गुड आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि हमारे बिजनेस पर्पज में अर्थात हमारे प्रोडक्शन में सहायता करती हैं। जैसे किसी टैक्सी कंपनी में कोई गाड़ी लगी हो तो वो कैपिटल गुड्स का कार्य करेगी, जबकि कोई सेल्फ यूज की किसी गाड़ी को लगता है तो वो कंज्यूमर गुड्स का कार्य करती है। तो ये हम डिसाइड कर पाते हैं फाइनल कंजम्पशन के आधार पर कि उसका अंततः उपयोग किस चीज़ में हो रहा है, तो वो उसी हिसाब से कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे बात थी व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक। तो व्हाट गुड्स एंड आइदर आर चॉइस कुछ भी हो सकता है, कैपिटल गुड हो सकती है और कंज्यूमर गुड। लेकिन कैपिटल गुड की क्या विशेषता है? कैपिटल गुड्स आर इसेंशियल टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखिए कैपिटल गुड हमारी है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती है, जबकि कंज्यूमर गुड क्या होती है? हमारी कंज्यूम करने के लिए होती है, तो वो क्या बढ़ाएंगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए इट्स प्रमोट क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए कैपिटल गुड से हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, जबकि कंज्यूमर गुड से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। देखिए अगर हम मोर कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करेंगे तो प्रेजेंट जनरेशन क्या करेगी? इंजॉय करेगी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट अगर हम लेस कैपिटल गुड
प्रोड्यूस करेंगे अगर, तो क्या होगा फ्यूचर के लिए हमारे पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, तो हमारे क्या होगा हम फ्यूचर के लिए क्या करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमारे पास फ्यूचर में उतने संसाधन नहीं उपलब्ध होंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है। देखिए यहाँ दैट वी आर रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी घटा रहे हैं अगर हम कम कैपिटल गुड्स का प्रोड्यूस प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब देखिए पहली प्रॉब्लम ये कौन सी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी कौन सी, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या ऐसे प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब देखिए किस टेक्निक से प्रोड्यूस करें, सबसे पहले हाउ टू प्रोड्यूस रेफर्स वेयर इकोनॉमिक स्टडी सेंटर प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। अब देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं, यही है कैसे प्रोड्यूस कर। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है कि जिसमें लेबर का उपयोग ज़्यादा किया जाए कैपिटल से, जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें कैपिटल का उपयोग किया जाए ज़्यादा लेबर से। लेकिन अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या फ़ायदा होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हमारी इफिशियंसी होती है वो बढ़ जाती है, जबकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है वो बढ़ता है। तो इसीलिए जैसे किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जबकि ये हमारे यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पे वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ की जाती है। देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, तो पूछा जा सकता है कोई आपसे एग्जाम में कि विच टेक्निक्स प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें आपकी होगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इकोनॉमिक हमारी जो प्रोडक्शन टेक्निक कौन सी है जो कि हमारी इफिशियंसी को बढ़ाएगी, तो वो होगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखिए अब दो प्रॉब्लम हम लोग पढ़ चुके हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में दो, कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब थर्ड है और लास्ट पढ़ते हैं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब आप किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप प्रोड्यूसर हैं तो हु कैन अफोर्ड इट, भाई जो उसको अफोर्ड कर सकता है उसी के लिए आप प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान लीजिए मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज देखिए एक महंगी गाड़ी है, सब कोई जानता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी तब भी बना रही है और बिक रही है, तो कंपनी उसी के लिए प्रोड्यूस करती है, हु कैन अफोर्ड इट, जो उसका खर्च वहन कर सके। ठीक, ये है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी, देखिए मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे प्रोड्यूसर सर्वे सर्वा होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो उस पूरा जो होता है डिसाइड करने वाला प्रोड्यूसर होता है। और ये प्रोड्यूसर डिसाइड कैसे करता है, दियर डिसीजन इज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, और प्रोड्यूसर वो जो है कन्फर्म करेगा कि हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है, तो वो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए निर्णय लेता है। लेकिन ऑल इन ऑल इसमें प्रोड्यूसर होता है, इसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का कोई दायित्व तो नहीं रहता है। द प्रोड्यूसर विल बी प्रोड्यूस गुड्स, कौन सी, विच आर मोर इन डिमांड, देखिए जो डिमांड में ज़्यादा होंगी, मार्केट इकोनॉमी क्या या मार्केट इकोनॉमी को हम लोग फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, इसमें जो होता है प्रोड्यूसर डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें। और देखिए अब ये प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस करें, तो मार्केट को देखेगा, मार्केट में डिमांड किसकी ज़्यादा है और सप्लाई किसकी कम है, उसी उन्हीं वस्तुओं को प्रोड्यूस करेगा। तो सच गुड्स ऑफर हाई प्राइसेस एंड हाई प्रॉफिट, क्योंकि प्रोड्यूसर का हमेशा एक ही वो कंसंट्रेशन रहता है कि कैसे हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें, इसके लिए वो मार्केट को देखेगा, मार्केट में देखेगा कि डिमांड किसकी ज़्यादा है और सप्लाई किसकी कम है, उसी को प्रोड्यूस करेगा, तभी वो हायर प्रॉफिट गेन कर पाएगा। और कौन सी टेक्निक यूज करेगा प्रोडक्शन में, तो वो टेक्निक यूज करेगा जो कि उसकी कॉस्ट को लो कर सके, एज लो एज पॉसिबल, और किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, हु कैन अफोर्ड इट। ठीक है, देखिए दोनों तीनों आंसर आपको मिल गए, एक तो हाउ टू प्रोड्यूस वो इंटेंसिव टेक्निक लगाएगा जिसमें कि उसकी कॉस्ट कम आएगी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस जो अफोर्ड कर सकेगा। अब देखते हैं दूसरी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, देखिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें सरकार डिसाइड करती है क्या कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इसमें सरकार देखिए ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है इसमें सारे निर्णय जो सरकार लेती है, देखिए इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा डिसाइड किया जाता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ऑल डिसीजन आर टेकन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सोशल वेलफेयर का खासा ध्यान दिया जाता है कि समाज के हर वर्ग के लोग
को उससे लाभ पहुंचे ना कि सिर्फ धनी लोगों को, जबकि जो हमने पहले पढ़ा है मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी में, उसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर इग्नोर्ड, उसमें पुअरर सेक्शन का ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि इसमें इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान दिया जाता है। दोज गुड्स एंड सर्विस विल बी प्रोड्यूस विच द गवर्नमेंट फाइंड मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी, इसमें सोसाइटी का पूरी ध्यान दिया जाता है। सोशल वेलफेयर के उद्देश्य से ही सेंट्रली प्लान इकोनॉमी चलती है, और ये डिसाइड कौन करता है इसमें ऑल इन ऑल कौन होता है, गवर्नमेंट होती है। द प्रोडक्शन टेक्निक विल बी सच दैट इट इज सोशली मोस्ट डिजायरेबल, फॉर एग्जाम्पल लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल बी प्रेफर्ड इन सिचुएशन ऑफ मैस एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना रहता है गवर्नमेंट को, तो इसमें कौन सी टेक्निक प्रयोग की जाएगी, इसमें ऑलवेज सी बात है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रयोग की जाएगी। और सोशल जस्टिस इज गिवेन हाइएस्ट प्रायोरिटी, सोशल जस्टिस को हाइएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, समझिए। आप देखिए पहले हमने कौन सी पढ़ी, मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी, उसमें कौन डिसाइड करता है, उसमें प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। दूसरी कौन सी पढ़ी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, उसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन डिसाइड करता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमारे जो गवर्नमेंट है डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब तीसरा देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारे हिंदुस्तान की मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी इट हैज़ द मेरिट्स ऑफ मार्केट, इट हैज़ द मेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों को, जिसे हिंदी में हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ये मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी दोनों का कॉम्बिनेशन है। जहाँ देखिए इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रोड्यूसर की मोनोपोली रहती है कि वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती है। जैसे हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि जैसे कपड़ा इंडस्ट्री मान लीजिए, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रोड्यूसर डिसाइड करता है सप्लाई एंड डिमांड को देखते हुए कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है। जबकि रेलवे इज द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विस एट नॉमिनल रेट। देखिए जबकि रेलवे प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया गया है, देखिए अब उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कब रेट बढ़ाना है, किराया कब घटाना है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, और दूसरी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब देखते हैं गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स इन प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। सबसे पहले फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, दो प्रकार की वस्तुएं हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब दूसरा कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अब देखिए फाइनल में फिर कैपिटल और कंज्यूमर अलग अलग हो गए। अब सबसे पहले देखते हैं फाइनल गुड्स कौन सी हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड व्हिच आर रेडी फॉर यूज दियर फाइनल यूजर, फाइनल गुड्स वो होती हैं जो कि फाइनल यूजर के लिए तैयार, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क आप चाय बनाने के लिए लाए तो वो फाइनल गुड्स हो गई। अब देखते हैं फाइनल गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंज्यूमर गुड्स दूसरी कैपिटल गुड्स। सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर गुड्स कौन से, सच फाइनल गुड्स विच आर परचेज बाय द कंज्यूमर टू फॉर फाइनल कंजम्पशन। देखिए अब कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स कैसे डिसाइड करेंगे, इसका फाइनल कंजम्पशन को देखते हुए, फाइनल कंजम्पशन के लिए अगर है तो वो कंज्यूमर गुड्स होगी, लेकिन अगर अब देखिए कैपिटल गुड्स क्या होती है, सच गुड्स आर परचेज बाय द प्रोड्यूसर आर जनरली यूज एज ए फिक्स्ड होल्ड एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब फिक्स्ड एसेट क्या होती है, जो प्रोडक्शन के लिए हम लोग जैसे मशीनरी लगाते हैं कोई, तो वो फिक्स्ड एसेट होती है, तो उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। तो जिसका उपयोग हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में करते हैं वो होती है हमारी कैपिटल गुड्स, जबकि कंज्यूमर गुड्स वो होती है जो कि हमारे फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी होती है। जैसे देखते हैं जैसे मिल्क लाए चाय बनाने के लिए, तो वो हमारा कंज्यूमर गुड्स होगी, लेकिन कैपिटल गुड्स जैसे कोई मशीनरी खरीद के लाए या कोई मान लीजिए कार ले कैब ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो होगी कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी रहती है, जबकि कैपिटल गुड्स वो गुड होती है जिसका उपयोग हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने या प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं। अब देखिए दूसरा, अब कौन सा गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स देखते हैं क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाई वन फर्म फ्रॉम द अदर फर्म एज ए रॉ मटेरियल आर एज ए गुड फॉर रिसेल। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो कि जैसे आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री है, उसने दूध खरीदा तो वो उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स का कार्य करेगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल के तरीके कार्य करता है। और दूसरा कौन सर, जैसे कोई मोबाइल शॉप है, वो उसने कंपनी से मोबाइल ऑर्डर किए प्राप्त किए तो वो बेचने के लिए लिए हैं उसने, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स एक रॉ मटेरियल जो होता है, दूसरा कौन सा, दोज थिंग्स विच आर रेडी फॉर रीसेल। अब जैसे देखते हैं
इंटरमीडिएट गुड्स की सबसे एक अहम बात है कि ये गुड्स आर दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम इनसे नहीं इंक्लूड की जाती है, क्योंकि एक बार काउंट की जा चुकी होती है, इसलिए दोबारा इनको हम काउंट नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल प्रोडक्ट और ऑन नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। देखिए, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट व्हाइल क्लासिफाइंग ए गुड एज ए फाइनल और इंटरमीडिएट व्हाट मैटर्स द एंड यूज ऑफ। देखिए, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट, तो उसका जो एंड यूज होगा गुड्स का वो डिसाइड करेगा कि फाइनल है या इंटरमीडिएट। देखिए, मिल्क यूज फॉर मेकिंग आइसक्रीम इज एन इंटरमीडिएट गुड्स व्हेयर एज, जबकि मिल्क यूज फॉर मेकिंग टी एट होम इज ए फाइनल गुड्स। देखिए, आइसक्रीम कंपनी कोई दूध लाती है तो वो क्यों आइसक्रीम बना के बेचने के लिए, इसलिए उनको इंटरमीडिएट गुड्स का वो कार करेगी। जबकि वेयर एज मिल्क यूज फॉर मेकिंग टी एट द होम इज ए फाइनल गुड, जबकि घर में उपयोग के लिए जो फाइनल कंजम्पशन के लिए लाई जाए वो समझ लीजिएगा आपकी फाइनल गुड है। अब कंज्यूमर गुड देखते हैं। अब कंज्यूमर गुड देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स आप लोग जानते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए जो तैयार रहते हैं उन्हें कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब देखते हैं इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल